आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सबसे पहले मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज अ नाउन। सो अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एन एनिमल, अ बर्ड, एन आइडिया और एनी अदर थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड के नेम को नाउन कहते हैं। सो नाउन तो बहुत ही इजी है, बट बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में। सो मैं आपका ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली आपका सॉल्व कर दूंगी, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन प्रॉपर नाउन है एंड विच इज़ द कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि पहले हम नाउन के बारे में देखते हैं, अ नेम ऑफ, मैंने आपको बोला कि नाउन के डेफिनेशन में हमने सीखा, वी हैव लर्न दैट अ नेम ऑफ एनी पर्सन, बॉय, मैन, फार्मर, राम, गर्ल, वुमेन, डॉक्टर, ये सब नेम ऑफ पर्सन्स हैं। अब नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो ये सब जो है वो नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, जैसे कि कैट, काउ, हॉर्स, मंकी, डोंकी, कैमल, कोई भी हो सकते हैं। बर्ड्स में डक है, क्रो, पैरोट, आउल, पिकॉक, कोई भी आप ले सकते हो, ये नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं। दिस आर द नेम ऑफ प्लेसेस, जैसे कि हाउस, रोड, स्टेशन, टेम्पल, रूम, पार्क, पोस्ट ऑफिस, चर्च, ये सब जो है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब है नेम ऑफ प्लेसेस। दिस आर नेम ऑफ थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है वो नेम ऑफ थिंग्स, उसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं, ये सब मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए रखे हैं। फिर नेम ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, दिस ऑल आर नाउन। वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, आइडिया और एनी अदर थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। बट अब हम जो सीखने वाले हैं, दिस इज अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, कि किसी भी चीज़ को अगर हमें बुलाना है तो हम उसका नाम दे देते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। एंड प्रॉपर नाउन, अगर उसी चीज़ को हम स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर नेम देते हैं, देन इट विल बी प्रॉपर नाउन। अगर मैं आपको यहाँ पर, आप देखोगे बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, अगर ये एग्जांपल आप बहुत ही अच्छे से स्टडी करोगे, देन आई एम श्योर कि आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर है कॉमन नाउन, यहाँ पर है प्रॉपर नाउन। जैसे कि आप देखोगे सिटी, सिटी इज़ अ कॉमन नाउन, बट अगर मैं उसको राजकोट, मुंबई ऐसा स्पेसिफिक नेम देती हूँ तो ये होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि प्लैनेट, प्लैनेट इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अगर मैं अगर इसको पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक नेम दे दूँ कि अर्थ, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, यूरेनस, देन इट विल बी प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूँ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारी लैंग्वेजेस आएगी, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज को स्पेसिफिक नेम दूँ कि इंग्लिश, तो आपके दिमाग में इंग्लिश ही आएगा। गुजराती, तो इट विल बी प्रॉपर नाउन। ड्रिंक, ड्रिंक अगर बोले तो कोई भी हो सकता है, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि स्प्राइट, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ, ग्रीन कलर की बॉटल होती है स्प्राइट की, उसमें वाइट कलर का ड्रिंक होता है, तो ये है प्रॉपर नाउन। अभी जैसे कि बुक, मैं आपको बोलूँ कि बुक दो, तो आपके दिमाग में आएगा कि कौन सी बुक, तो वो है कॉमन नाउन। बट अगर मैं बोलूँ कि गिव मी द बुक रामायणा, तो आप मुझे वही बुक दोगे, तो हमने बुक को स्पेसिफिक नेम दे दिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अभी जैसे कि पेंसिल, तो आपके कंपास बॉक्स में बहुत सारी पेंसिल्स होगी, मैं आपको बोलूँ कि गिव मी वन पेंसिल, तो आप मुझे कोई भी पेंसिल दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि गिव मी पेंसिल नटराज, तो आप मुझे नटराज कंपनी की ही पेंसिल दोगे, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब है पार्क, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, तो अगर हम बोले कि चलो हम पार्क में चलते हैं, तो आप सोचोगे कि कौन से पार्क में चलते हैं। हमारे राजकोट में तो बहुत सारे पार्क है, रेस्कोस है, शारदा बाग है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लेट्स गो टू द सरदार पार्क, तो आप, हम उसी पार्क में जाएंगे, वही पार्क आपके दिमाग में आएगा, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूँ गर्ल, चलो गर्ल कम हियर, तो आप लोगों में से कोई भी गर्ल मेरे पास आएगी। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर गर्ल, किसी गर्ल का स्पेसिफिक नेम बोलूँ कि हीना कम हियर, तो हीना नाम की गर्ल ही मेरे पास आएगी, तो वो होगी प्रॉपर नाउन, और गर्ल जो है वो है कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूँ टीचर,
तो आपके दिमाग में आपके बहुत सारे टीचर्स आएंगे, लेकिन अगर मैं टीचर का स्पेसिफिक नेम बोलूँ, पर्टिकुलर नेम बोलूँ कि मिस्टर वर्मा, तो मिस्टर वर्मा जो भी है वो ही आपके दिमाग में आएगा। अगर मैं बोलूँ फातिमा टीचर, तो आपके दिमाग में मेरा ही फेस आएगा, तो वो है प्रॉपर नाउन। स्कूल, अगर मैं बोलूँ स्कूल, तो आपके दिमाग में बहुत सारे स्कूल के नेम्स आएंगे, तो वो होगा कॉमन नाउन। बट अगर मैं बोलूँ कि निर्मला, सत्य प्रकाश, तो पर्टिकुलर स्कूल आपके दिमाग में आएगी, तो ये है प्रॉपर नाउन। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं, अब मैं फटाफट वो एग्जांपल्स पढ़ देती हूँ। जैसे कि रिवर, तो ये कॉमन नाउन है। गंगा, नर्मदा, ये प्रॉपर नाउन है। कार्टून, तो कार्टून में बहुत सारे कार्टून्स हैं। बट अगर मैं बोलूँ मोटू, पतलू, छोटा भीम, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। अब तक के लिए सिर्फ इतने ही एग्जांपल्स हम देखेंगे, आगे और एग्जांपल्स में दिखाकर आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के डिफरेंस बराबर समझाऊंगी। अगर इससे रिलेटेड मेरे और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल और जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करना मत भूलिए। आगे और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।